लड़ा जाएगा और राजस्थान में फिर से कमल खिलेगा। अजमेर अलवर लोकसभा और मांडलगढ़ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को पराजय का सामना करना पड़ा। इसके बाद से ही भाजपा में अंदरूनी कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हो गई और सत्ता और संगठन पर सवाल उठाए जाने लगे। लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने साफ कहा है कि राजस्थान में आज भी वसुंधरा राजे ही सीएम का चेहरा है और आगे भी वे ही सीएम फेस होंगी। उन्होंने विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव वसुंधरा राजे के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। संगठन हमारा पहले भी मजबूत था, आपने देखा होगा 25 की 25 लोकसभा हमारी इसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने जिताई, 163 विधायक हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जीता है। उसके बाद नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, पंचायतों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक जीत मिली। ये जीत और हार तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। हमारी जो पार्टी है, जब जीत होती है तब भी हम समीक्षा करते हैं और जब हार होती है तब भी हम समीक्षा करते हैं। मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी के। इधर राजस्थान भाजपा में वसुंधरा राजे से बड़ा कोई चेहरा है भी नहीं। वसुंधरा राजे दो बार अपने दम पर बहुमत वाली सरकार ला चुकी हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी इस बात को बखूबी जानते हैं कि वसुंधरा राजे के सिवाय कोई ऐसा नेता नहीं है जो कांग्रेस से मुकाबला कर ले। लिहाजा परनामी की बातों से ऐसा लग रहा है कि भाजपा आला कमान राजस्थान में कोई जोखिम मोल ना लेते हुए एक बार फिर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के चेहरे पर ही अगला चुनाव लड़ने का फैसला लेगा। जो जो भी हमारी कमियां उसमें हैं, उन कमियां जो निकलेंगी, उन कमियों को दूर करके उन्हें राजस्थान प्रदेश की जनता का विश्वास जीतेंगे और निश्चित रूप से अगले विधानसभा में जो हमने मिशन 180 दिया हुआ है वो पूरा करेंगे और मिशन 25 लोकसभा का हम पूरा करेंगे। बहरहाल राजस्थान में लगातार दो बार के विधानसभा चुनावों से वसुंधरा राजे ही सीएम फेस हैं। हालांकि उपचुनाव में पराजय मिलने के बाद पार्टी के अंदर कुछ क्षत्रपों के मन में नेतृत्व की चाह हिलोरे मार रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। और इस बीच चुनावी मोड़ पर चल रही राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी का ये बयान काफी अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जयपुर।